IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक रहेंगे आज सुर्खियों में। दोनों के मर्जर को मिल चुकी है मंजूरी, 155:100 के रेशियो पर मर्जर को मंजूरी मिली है, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर और IDFC लिमिटेड के बैंक के 155 शेयर और IDFC लिमिटेड के 100 शेयरों का ये रहेगा आपका मर्जर रेशियो। बायोकॉन स्टॉक ऑफ द डे में भी बात करी थी, US में इनका हुलियो इंजेक्शन अब उपलब्ध होगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रूमेटाइड और सैराटिक आर्थराइटिस के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बजाज फाइनेंस के पहले तिमाही के अपडेट जो आए बेहद दमदार हैं और यहाँ पर कुल AUM में लगभग 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, कस्टमर जो बढ़े हैं 34% के आसपास बढ़े हैं। CLSA ने टारगेट 6,600 से बढ़ाकर 9,000 रुपए का क्या बड़ा अपग्रेड आया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी 8,500 से टारगेट बढ़ाकर 9,250 का, तो बजाज फाइनेंस आज रहेगा एक्शन में। वेदांत और हिंदुस्तान जिंक के अपडेट्स आए हैं, थोड़ा इनका प्रोडक्शन बढ़कर आया है तो यहाँ पर भी रखेगा आज ट्रेड में नजर। जी एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक रहेंगे सुर्खियों में, तो जी और इंडसइंड बैंक के बीच में जो विवाद था उसका निपटारा हो चुका है। दोनों कंपनियों ने NCLT को ये जानकारी दी कि ये मामला सुलझ गया है, NCLT ने केस बंद करने का आदेश दिया। वहीं इंडसइंड बैंक के लिए एक और खबर यह भी कि कंपनी के प्रमोटर अपने बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, इसके लिए $1.5 billion जुटाने की उनकी तैयारी, और हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर करेंगे 26%। एवेन्यू सुपरमार्ट Q1 अपडेट है, कुल स्टैंड अलोन आय पिछली तिमाही में 18% बढ़कर आई है। भारत में सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन की बाइक, दूसरी नहीं, हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक लॉन्च हो चुकी है। आइशन मोटर्स के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। X440 ये बाइक लॉन्च हुई है और 2,29,000 रुपए इसका दाम तय किया गया है, तो हीरो मोटो और आइशन मोटर्स दोनों रहेंगे फोकस में। टेलीकॉम स्टॉक्स में रखिए नजर, क्योंकि वोडाफोन ने अपने बेस प्राइसेस बढ़ाए हैं, सीधा 99 वाला रिचार्ज अब आपको 155 में मिलेगा, बाकी रिचार्ज की वैलिडिटी भी घटाई है। बट उसके सामने रिलायंस जियो ने नया 4G फोन लॉन्च किया है 999 रुपए में, तो यहां से भी कंपटीशन बढ़ते हुए दिख सकता है इस स्पेस में। ओके, जीनस पावर ये स्टॉक रहेगा सुर्खियों में, 2,207 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इस कंपनी को। और फाइनली NBFCs पर तो पूरा फोकस है ही, L&T फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेस दोनों ने कुछ अपने लोन्स बेचे हैं एसेट रिकवरी कंपनीज को, जिसमें L&T फाइनेंस की 60% की रिकवरी होने वाली है बट पीरामल एंटरप्राइजेस की 17% की रिकवरी होगी। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।